नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूक्रेन के एनराहुदर शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट में शुक्रवार को रूसी बमबारी से अचानक आग लग गई। प्लांट के डायरेक्टर का कहना है कि फायर फाइटिंग सिस्टम को प्लांट के अंदर आने नहीं दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देर बाद प्लांट में कई धमाके भी हुए। कुछ रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि आग के बाद कुछ रूसी सैनिक प्लांट में दाखिल हुए। वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रमुख इगोर मुराशोव का कहना है कि परमाणु सुरक्षा को तोड़ दिया गया है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग अब भी लगी हुई है। फायर टेंडर को आने नहीं दिया जा रहा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, रिएक्टर अभी खतरे में है। वहीं इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बाइडेन ने फोन पर बात की। वहीं जेलेंस्की ने इसके बाद आपातकालीन संबोधन में कहा कि मॉस्को ज़ापोरिज्या न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बमबारी करके चेर्नोबिल आपदा को दोहराना चाहता है। बता दें कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एनराहुदर शहर पर कब्जे का दावा किया था। इसके बाद शुक्रवार को उसकी ओर से हुई बमबारी में इस प्लांट में आग लग गई। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच भारत के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव से लौट रहे एक भारतीय छात्र को गोली लगी है। घायल छात्र का आधे रास्ते से ही इलाज के लिए उसको वापस कीव ले जाया गया है। पोलैंड में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री वीकेंद सिंह ने बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा भारतीय छात्रों की वतन वापसी की कोशिश पर लगे हैं। घायल छात्र के बारे में पता किया जा रहा है, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने अपने 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करने भेजा हुआ है। इनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह शामिल हैं। मिशन गंगा के संचालन की जिम्मेदारी के लिए वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया है। इससे पहले वीके सिंह ने पोलैंड के गुरुद्वारा सिंह साहिब में रुके 80 भारतीय छात्र से भी मुलाकात की थी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने का काम भी किया जा रहा है। इस बीच भारतीयों को दिल्ली ला रही एक फ्लाइट में पायलट के अनाउंसमेंट का वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। पायलट ने यात्रियों से जो कहा वो दिल छू लेने वाला था। दरअसल यूक्रेन में फंसे ज्यादातर भारतीयों को निकाला जा चुका है, वो स्पेशल उड़ानों के जरिए भारत लाए जा रहे हैं। ऐसी ही स्पाइसजेट की एक फ्लाइट के बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए टेक ऑफ होने से पहले पायलट ने यात्रियों से जो कहा वो सुनकर लोग भावुक हो गए। फ्लाइट में सवार यात्रियों से पायलट ने कहा, पूरे स्पाइसजेट परिवार की ओर से हम बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए एक विशेष उड़ान में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। आपके साहस और दृढ़ संकल्प पर हमें गर्व है। अपने अनिश्चितता, कठिनाई और डर पर विजय प्राप्त की और सुरक्षित रूप से यहाँ पहुँच गए। अब समय आ गया है कि हम अपनी मातृभूमि पर वापस जाएँ। घर जाने का समय आ गया है। On behalf of the entire SpiceJet family, welcome on board this special flight from Budapest to Delhi. We are very happy to see all of you safe and sound and are proud of each and every one of you for your courage and determination. You overcame the uncertainty, the hardship, the fear and have made it here safely. And now it's time to go back to our motherland. It's time to go home. We'll take about 9 hours to reach Delhi, which includes a fueling stop in Kutaisi, Georgia. So sit back, relax, sleep, de-stress, enjoy the flight, and get ready to meet your families. Jai Hind! Jai Hind!